पीपल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई एम मेकिंग वीडियो। सो टुडे आई एम एट वाहिनी यामाहा, जो कि ट्राउजमरा कॉलोनी में आगरा में। सो टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू द ऑल न्यू यामाहा R15 वर्जन 4 M1 वेरिएंट एंड द नॉर्मल वेरिएंट, एंड इवन आई एम गोइंग टू कंपेयर दीज बाइक्स, द R15 एंड R15 वर्जन 4 M वेरिएंट। इफ यू लाइक दिस वीडियो गाइस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिलेटेड टू द बाइक्स और रिलेटेड टू द स्कूटर्स, यू कैन डायरेक्टली रीच वाहिनी यामाहा। आई विल मेंशन देयर कॉन्टैक्ट नंबर एंड द एड्रेस इन द डिस्क्रिप्शन, सो गो टू द डिस्क्रिप्शन इफ यू हैव एनी क्वेरीज, एंड इफ यू वॉन्ट टू बुक द टेस्ट ड्राइव यू कैन जस्ट डायरेक्टली कॉल देम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, दिस इज़ द बाइक R15 V4, विच इज़ R15 M एडिशन है। यहाँ पर भी सामने M एडिशन है, ये R15 वर्जन 4 है, ये भी वर्जन 4 है, एंड लास्ट में यहाँ पर आपको सारे जो कलर्स हैं वो अवेलेबल मिलेंगे। और राइट नाउ आई एम एट वाहिनी यामाहा, जो कि आगरा में ट्रांस यमुना कॉलोनी में है। आई विल मेंशन देयर एड्रेस इन द कॉन्टैक्ट नंबर इन द डिस्क्रिप्शन। तो जिसको भी अगर कोई भी क्वेरी हो या बाइक को पर्सनली अगर देखना हो, बिकॉज आई एम श्योर कि हर जगह जो कलर्स होते हैं वो कलर्स अवेलेबल नहीं होते, तो यहाँ पर रेड कलर मिल जाएगा आपको, जो बहुत ही क्लासिक कलर लग रहा है। मैंने लास्ट टाइम R15 वर्जन 3 की रेड कलर में एक वीडियो भी शूट करी थी, इस पर रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा आया था। तो रेड कलर में वर्जन 4 आपको मिल जाएगी यहाँ पर। रेड के अलावा अगर हम एम एडिशन देखेंगे R15 में, जो कि एक बिल्कुल जो R15 से इंस्पायर्ड है, प्रॉपर वही लगता है पूरा, कोई बोल नहीं सकता दैट दिस इज़ जस्ट 155 cc ऑफ बाइक। उसके साथ ही यहाँ पर आपको ब्लैक कलर मिलेगा, जो कि मैट ब्लैक कलर है, एंड देन ब्लू कलर मिलेगा। सो सबसे पहले हम लोग एक बेसिकली रिव्यू करेंगे जो कि R15 वर्जन 4 है। एम को भी बताऊंगा मैं, एंड कंपेयर भी करूंगा कि व्हाट आर द डिफरेंसेस इन बिटवीन R15 वर्जन 4 एंड R15 M एडिशन, कि क्या क्या बेसिकली डिफरेंस है। सो सबसे पहले हम लोग इस बाइक पे फ्रंट से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो साइड मिरर्स हैं वो जस्ट लाइक R15 V3 में जैसे मिलते थे आपको, उसी तरीके से साइड मिरर्स मिलेंगे। यहाँ कुछ स्पेस है नंबर प्लेट के लिए, जो अभी HSRP चल रहा है। ये मॉन्स्टर एडिशन है, और ये जो एडिशन है ये बहुत ही लिमिटेड एडिशन है R15 का, जो इस समय मार्केट में है। बहुत लिमिटेड जगह मिलेगा आपको, और काफ़ी स्टॉक कुछ टाइम बाद आउट हो जाएगा। सेंटर में हम लोग देखेंगे तो प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलेंगी आपको, साइड में DRLs मिलेगी। मैं एक बार DRLs भी आपको शो कर दूंगा जला करके। उसके बाद अगर हम नीचे की बात करें तो यहाँ पर आपको KYB जो ब्रांड है, जिसके सस्पेंशन मिलेंगे, अपसाइड डाउन सस्पेंशन है। और ये फ्रंट टायर है, फ्रंट टायर वही है जो इसमें R15 वर्जन 3 में मिलता था आपको, 100x80 के 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स हैं ये। एंड ये डिस्क पैड है, जो कि 3.5 mm का थिक डिस्क पैड है, ड्यूअल चैनल ABS के साथ मिलेगा आपको। एंड डिस्क पैड जो है ये 282 mm का डिस्क पैड है पूरा। ये फ्रंट की बात कर ली हमने, यहाँ पर ब्रेक कैलिपर है उसका, जो कि कुछ कह सकते हैं हम लोग एक गोल्ड कलर के कुछ फिनिशिंग में दे रखा है इसको। ये मॉन्स्टर एडिशन में आपको एक जस्ट मॉन्स्टर का वो मिल जाएगा, एक कह सकते हैं ग्राफिक्स टाइप का। टर्न इंडिकेटर में आई थिंक कि कंपनी को इसमें LED टर्न इंडिकेटर्स करने चाहिए थे, बट स्टिल ये हेलोजन टर्न इंडिकेटर्स से काफ़ी अच्छे लगते हैं। उसके अलावा एक एडवांटेज भी दिया है कंपनी ने इस टर्न इंडिकेटर के साथ, वो भी मैं बताऊँगा आपको। यहाँ पर मॉन्स्टर एनर्जी रिटर्न है, स्टीकर है प्रॉपर एक। और ये क्विक सिस्टर आपको R15 में मिलेगा, आई थिंक इसकी कॉस्ट 8000 है ना, 8000 to 10000, आई एम नॉट श्योर अबाउट द कॉस्ट कि इसकी कितनी कॉस्ट है। बाकी क्विक सिस्टम शिफ्टर इंस्टॉल करवाने के लिए यू हैव टू पे 8000 rupees। यामा ल्यूब मिलेगा यहाँ पर आपको, इन्हें मतलब प्रॉपर स्टीकर और ये सारी चीज़ें मैंशनड है। ये क्विक शिफ्टर क्लियरली मैंशनड है यहाँ पर बाइक में। ये इंजन है, इसमें 155 cc का सिंगल सिलेंडर इंजन दे रखा है, जो कि 18.2 PS की पावर जनरेट करता है 10000 RPM पर। जो R15 वर्जन 3 थी उसमें 18.4 PS की पावर थी सेम 10000 RPM पर। जो वर्जन 4 आया है उसमें कंपनी ने जो पावर है वो 0.2 PS से कम कर दिया है, बट इट डजेंट मीन कि परफॉर्मेंस में कहीं ना कहीं लैग होगा। बाकी मैंने इसको इन पर्सन चलाया नहीं है बाइक को, इसलिए मैं इतना ज़्यादा नहीं कह सकता कि परफॉर्मेंस में कितना डिफरेंस आया है। बाकी बहुत ही अगर आया भी होगा तो माइनर हो सकता है, अच्छा भी परफॉर्मेंस रहा बिकॉज ऑफ द एरोडायनामिक्स ऑफ दिस बाइक। कमिंग टू द रियर प्रोफाइल ऑफ दिस बाइक, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो गार्ड मिलेगा आपको, ये सिल्वर फिनिश में मिलेगा, ये साइलेंसर है। इसमें जो M वेरिएंट मिलेगा और आपको जो सादा वेरिएंट है ये R15 वर्जन 4, इन दोनों में जो डिफरेंस एक तरीके से कह सकते हैं हम लोग, तो ग्राफिक्स का डिफरेंस है, जैसे इसमें डिफरेंट ग्राफिक्स दे रखे हैं, और उसमें बिल्कुल सादा सिंपल कलर है जैसे R15 वर्जन 3 में आता था, उसी तरीके से कलर्स मिलेंगे। इसमें कुछ ग्राफिक्स का डिफरेंस मिलेगा। एंड जो सेकंड डिफरेंस मिलेगा वो आपको एग्जॉस्ट मिलेगा, इस बाइक का जो एग्जॉस्ट है वो कंपैरेटिवली जो है वो डिफरेंट है वर्जन 4 से। सो कमिंग टू द रियर टायर, जो रियर टायर है वो अगेन सेम साइज़ का टायर है, जो कि आपको इसमें मिलता था हम लोग को R15 वर्जन 3 में, एंड M में R15 वर्जन 3 वर्जन 4, इन सब में आपको जो टायर मिलेगा सेम टायर मिलेगा, जो कि 140x70 के R17 इंचज़ के अलॉय व्हील्स हैं। एंड जो रियर डिस्क पैड है वो 220 mm का
रियर डिस्क पैड मिलेगा, अगेन डुअल चैनल ABS, यहाँ पर आपको भी ABS मिलेगा एंड फ्रंट में भी आपको ABS मिलेगा। अभी हम लोग इसका जो साउंड है एग्जॉस्ट साउंड वो भी हम लोग सुन करके देख लेंगे। उसके बाद ये जो ग्रैब रेल्स हैं, ये ग्रैब रेल जस्ट लाइक द RN5 version 3 मॉन्स्टर एनर्जी। कंपनी ने जो भी चेंजेस करे हैं version 4 में वो सिर्फ और सिर्फ आगे से करे हैं एंड छोटे मोटे माइनर चेंजेस करे हैं। बाकी डायमेंशंस अगर हम देखें तो डायमेंशंस जो बाइक के हैं वो सेम है एज ऑफ RN5 version 3। और जो रियर में आपको टेल लाइट मिलेगी जो कि LED टेल लाइट है, यहाँ रिफ्लेक्टर्स अगेन लेफ्ट और राइट में भी रिफ्लेक्टर्स मिलेंगे, और ये जो है हेलोजन बल्ब टर्न इंडिकेटर्स, जो कि आई पर्सनली फेल्ट दिस की कंपनी को ये थोड़ा चेंज करके कंपनी को LED में करना चाहिए था। बाकी स्टिल इट्स फाइन, जो एक प्लस पॉइंट लगा वो भी आई विल शो यू। तो यहाँ पर आपको लेडीज़ फुटरेस्ट जो होता है वो एसेसरीज आप इंक्लूड करवा सकते हैं, बट आई डोंट थिंक सो कि कोई करवाएगा। ये साइड फुटरेस्ट एज यूजुअल। दिस इज़ द क्विक शिफ्टर विच कॉस्ट यू अराउंड 8,000 to 10,000 rupees, अगेन आई एम नॉट श्योर। यहाँ पर आपको टायर का प्रेशर मिलेगा दैट कितना टायर प्रेशर हम लोगों को रखना चाहिए, ये टायर प्रेशर का है कि कितना रखना चाहिए। उसके अलावा यहाँ से एक पूरा प्रॉपर जो बोलते हैं फिनिशिंग और वो सारी चीज़ें कर रखी है, एक डिफरेंट डिज़ाइन दी है। इसमें 11 लीटर्स का फ्यूल टैंक मिलेगा version M, version 4 इन सभी में, और ये कुछ मॉन्स्टर एडिशन है तो उसमें इस तरीके से स्टिकर्स हैं मॉन्स्टर के और यामाहा मोटरसाइकिल कनेक्ट। ये जो कैलिपर आपको सस्पेंशन है ये यहाँ पर ब्लू कलर में मिलेंगे सस्पेंशंस। ये इंजन स्टार्ट इसकी हम लोग बाद में बात करेंगे। ये साइड इंडिकेटर्स साइड मिरर्स हैं जो फोल्ड भी हो जाते हैं इस तरीके से। आई एम नॉट एबल टू फोल्ड दिस, आई डोंट नो व्हाई, लीव इट। सो यहाँ पर VVA मिलेगा, वेरिएबल वाल्व एक्चुएशन, ये मैं आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में बता दूंगा दैट व्हाट इज एक्चुअली VVA। सो ये पूरी प्रोफाइल है इस बाइक की जिसमें कि कोई भी डिफरेंस नहीं है RN5 मतलब फ्रंट से अगर हम देख लें और साइड से ग्राफिक्स को हटा दें कुछ माइनर चीज़ों को हटा करके, जो डायमेंशंस रहेंगे वो सेम रहेंगे एज ऑफ द RN5 version 3। तो ये इसका पूरा लेफ्ट साइड प्रोफाइल है बाइक की। सो अब हम लोग एक बार की लेंगे, की लेकर के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करेंगे एंड देन देखते हैं कि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में किस तरीके से क्या चेंजेस दिए गए हैं। ये एम एडिशन का था और देन हम लोग बात करेंगे RN5 version M का जो वहाँ पर खड़ी हुई है इस कलर में। अभी हमने ये वाला कलर कवर करा, इस कलर में भी हम लोग देख लेंगे कि क्या है। बाकी कलर जो है ये भी काफ़ी अच्छा कलर लग रहा है, बल्कि माई फर्स्ट प्रायोरिटी इफ़ आई एम गोइंग टू बाई दिस बाइक आई बाय दिस कलर इफ़ आई एम गोइंग टू बाय द M1 variant बिकॉज इट एग्जैक्टली लुक्स लाइक द R1M। सो आई पर्सनली गो विद दिस कलर बिकॉज मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है ये कलर और बहुत सुपर, मतलब आई हैव नो वर्ड्स टू डिस्क्राइब दिस पर्टिकुलर कलर। देख सकते हैं फ्रंट में कितना शानदार लुक आ रहा है बाइक का। उसके अलावा ये ब्लैक और ये मैट ब्लैक जो है ये ब्लू कलर है, इसमें भी सेम चीज़ है जैसे हम लोग देख सकते हैं। सीट में आपको वही जो सेम सीट मिलती है जो RN5 version 3 में मिलती थी हम लोगों को, यही सेम सीट है कि जस्ट इंसर्ट करके वो सीट जो होगी वो ऊपर आ जाएगी। और जो एग्जॉस्ट होगा एग्जॉस्ट में डिफरेंस है और ग्राफिक्स में, बाकी जो सारी चीज़ें होती हैं बाइक्स में वो बाकी सारी चीज़ें सेम मिलेंगी आपको version 4 अगेन RN5 M, RN5 version 4, RN5 M विच इज़ मॉन्स्टर एडिशन एंड विच इज़ लिमिटेड एडिशन। सो ये टोटल 5 बाइक्स हैं जो इस टाइम पर अवेलेबल है वाहिनी सुजुकी पर आगरा ट्रांसजमुना। तो इफ़ एनी ऑफ यू अगेन इंटरेस्टेड इन गोइंग विद दीज बाइक्स तो वो जा सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या वाहिनी यामा को। मैं उनका जो कॉन्टेक्ट नंबर है एंड एड्रेस वो मैं डिस्क्रिप्शन में मैंशन कर दूंगा एंड इवन द एड्रेस लिंक बेसिकली गूगल मैप वाली जो हम लोग बोलते हैं। सो ये बाइक है, अब एक बार जल्दी से इग्निशन ऑन करके देखते हैं। इग्निशन ऑन करने के बाद फिर अपन लोग जल्दी से इस बाइक को इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखेंगे एंड देन ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। उसके अलावा यहाँ स्टॉक्स में आप देख सकते हैं FZ की लाइनअप, FZ का पूरा जो FZ SX न्यू वाली है वहाँ पर पार्क्ड है। लेट मी जस्ट शो यू, वो ऑरेंज कलर की पार्क्ड है वहाँ पर FZX, और उधर FZ का नया वेरिएंट है। तो अभी जल्दी से अपन लोग इसकी की लेते हैं। सो गाइस दिस इज़ द की ऑफ द बाइक, और ये की अगेन आई थिंक कि कंपनी को चेंज करना चाहिए था RN5 में, लेकिन कंपनी ने वही सेम की रखी है, बाकी इट्स फाइन। तो ये बाइक है, अभी हम लोग इसका एक स्टार्ट करके मैं एग्जॉस्ट सुनाऊँगा, इधर से घूम के जाना पड़ेगा हम लोगों को। तो दिस इज़ द बाइक एंड बिफोर स्टार्टिंग द बाइक लेट मी जस्ट शो यू द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की है, यहाँ पर इंसर्ट करते हैं इसको। इस तरीके से जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो ओपन होता है जस्ट लाइक द RN5 version 3। ओके, सो इसमें क्या डिफरेंट मोड्स हैं, जस्ट लाइक आप यहाँ पर देख सकते हैं कि गियर के जस्ट साइड में स्ट्रीट का ऑप्शन दे रखा है, न्यूट्रल है, स्ट्रीट, और ये जो
डिजिटल आपको इसमें स्पीडोमीटर मिलेगा, आरपीएम मीटर मिलेगा, इसमें फ्यूल गेज मिलेगी, ये भी डिजिटल मिलेगा, न्यूट्रल का इंडिकेशन मिलेगा, टर्न इंडिकेटर्स मिलेंगे इसमें, और ये एबीएस का एज दिस इज़ ड्यूअल चैनल एबीएस, उसके साथ ही काफ़ी सारे चीज़ें मिलेंगी आपको। एक बार हैंडल बार पर देख लेते, तो हैंडल बार में आपको लेफ्ट साइड में जो मिलेगा पास स्विच मिलेगा, टर्न इंडिकेटर्स मिलेंगे, हॉर्न मिलेगा, एक बार हॉर्न भी देख लेते हैं। हॉर्न काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये सेंटर में की इंसर्ट करने के लिए। और राइट साइड में जो मिलेगा एक किल स्विच मिलेगा, किल स्विच के साथ ही जो नीचे है ये हैजार्ड के लिए, ये मैं सबसे अच्छी चीज़ बता रहा हूँ जो मेरे को पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी कि हैजार्ड स्विच ऑन करना, बिकॉज कभी हम लोगों को ज़रूरत पड़ती है रास्ते में बाइक रोकने के लिए भी, तो हम लोग इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जो नीचे यहाँ पर रखा है ये ट्रिप और इन्फो के लिए, अगर हम यहाँ से करेंगे तो ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है इसमें चेंज होता रहेगा। जस्ट लाइक देखिए इसमें एवरेज स्पीड दिखा रहा है कितना, 0 किलोमीटर पर आवर, और ये मैंने चेंज करा, ये ऑन हो गया है TCS ऑन, ये बैड 12.3 समथिंग, आई डोंट नो व्हाट इज इट, कूलेंट में 32 का सेल्सियस टेम्परेचर दिखा रहा है, ट्रैक बता रहा है कि किस उसमें ट्रैक में क्या मोड है, और वो सारी चीज़ें यहाँ पर इसके बिहाफ पर हम लोग देख सकते हैं। सो अब एक बार जल्दी से बाइक को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने में भी जैसे लाइक यहाँ पर पहले स्टार्ट के लिए सेल्फ का बटन आता था, वो चीज़ नहीं है, ओवरकम करके उसको यहाँ पर ऊपर साइड मेंशन कर दिए कि स्टार्ट के लिए यू जस्ट हैव टू डू लाइक दिस। ये स्टार्ट हो चुकी है बाइक, दिस इज़ ऑल अबाउट द एग्जॉस्ट नोट ऑफ दिस बाइक, सो लेट्स जस्ट क्विकली टर्न ऑफ।